Assalamu alaikum, welcome back to our new video of auto news और welcome to the world of electric vehicle. यार आजकल जो electric vehicle है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और finally तौर पर जो है Hyundai ने एक बहुत ही ज़बरदस्त achievement जो है वो की है इलेक्ट्रिक में, और उसके बारे में डिटेल में आज वीडियो इसमें बात करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो या चैनल जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अभी हमारे 40,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, सो मज़ीद हम फर्दर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की. आप लोगों को पता है यार इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है खासतौर पर पूरी दुनिया में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ख़ासतौर पर जब से जो है वो टेस्ला ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो की है, तो उसके बाद जो है पूरी जो बाकी इंडस्ट्री है वो भी अपने आप को खुद जो है वो चेंज कर रही है. तो अभी हुंडई जो है, हुंडई का जो है वो खासतौर पर यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है, और हुंडई का एक जो है वो SUV है, वो स्मॉल SUV आप उसे कह सकते हैं कोना के नाम से. उसके वो बहुत से वेरिएंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं, उनमें हाइब्रिड भी है, और अब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक जो है उसका वेरिएंट जो है उसको टेस्ट किया जर्मनी के अंदर. और आप हैरान रहेंगे कि उसकी एक सिंगल चार्ज के ऊपर उसने जो है 1026 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है. हाँ, तो उसके पीछे कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशन भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता चलूँ. तो स्पेसिफिकेशन में 64 किलोवाट आवर के उसके अंदर जो है वो बैटरी उन्होंने ऐड की हुई थी, और उनका क्लेम है तकरीबन 6.29 किलोवाट आवर जो है पर 100 किलोमीटर के जो है वो गाड़ी ने जो है वो कंज्यूम किए हैं. इसके अलावा हुंडई का ये भी क्लेम है कि उन्होंने 3 वेरिएंट को एक साथ मुख्तलिफ ट्रैक के ऊपर जो है वो टेस्ट किया है, और 1000 प्लस सबकी जो है वो रेंज आई है. अब उसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई की गई थी, कंडीशन ये दी क्योंकि सबसे पहले जो है उसके अंदर एयर कंडीशनर जो है वो ऑन नहीं किया गया था, क्योंकि कंपनी का क्लेम है कि एयर कंडीशन जो है वो अच्छी खासी बैटरी आपकी जो है कंज्यूम कर रहा है. सेकंड चीज़ ये है कि जो उसका एक्सेलरेशन है, ये टॉप स्पीड जो रखी गई थी गाड़ियों की वो 29 से 31 किलोमीटर पर आर की रखी गई थी. आई थिंक ये एक बिग फैक्टर है कि जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो हासिल की है. लेकिन कंपनी का ये भी क्लेम है कि अगर आप इसकी स्पीड को इन्हेंस करते हैं, स्पीड को ज़्यादा रखते हैं, फिर भी आपको कम से कम जो 600 से 800 किलोमीटर आपको पर चार्ज के अंदर ये जो है गाड़ी देगी. तो ये यार काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. अगर हम टेस्ला की बात करते चलें, जो टेस्ला के डिफरेंट मॉडल हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, तो उनकी भी तकरीबन जो है रेंज है वो तकरीबन इतनी है, 600 से 800 किलोमीटर पर चार्ज के ऊपर वो कर रही होती हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत है. हुंडई आई होप सो कि इसको जो है थोड़ा सा वो प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखेगा, लेकिन अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है. और जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हुंडई का क्या कहना है कि उनकी एक और सीरीज़ है जिसे आयोनिक कहते हैं, तो उनका कहना है कि वो उस सीरीज़ को कम्प्लीटली तौर पर जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, और अभी आने वाले जो है वो 3 सालों में उसके तकरीबन जो है 3 से 4 वेरियंट जो है वो इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे. उनका क्लेम है कि अभी थोड़ा सा हमें जो मसला आ रहा है वो बैटरीज की तरफ से आ रहा है कि बैटरी की प्रोडक्शन हमारी जो है वो लो है, लेकिन इसके लिए हमने कोरिया की कंपनी से जो है ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और वहाँ पर हम अपनी जो है वो मैनुफैक्चरिंग प्लांट जो है कोरिया के अंदर वो लगा रहे हैं बैटरीज का. तो अगले 4 सालों में हमारी जो आयोनिक पूरी सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर, और हम सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो बनाएंगे. तो यार ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़बरदस्त मैं कहता हूँ न्यूज़ है. उसकी रीज़न ये है कि मैं जब जिस तरह से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चेंजिंग आने वाली है ख़ासतौर पर हमारी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, और इलेक्ट्रिक के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो कंपनी हैं फोकस कर रही हैं. और इवन मुझे जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या मुझे जो थोड़ा सा मसला था वो ये है कि अभी तक जो है ऐसी कोई न्यूज़ आपको देखने को जो है वो होंडा की तरफ से या ट्विटर की तरफ से नहीं आई कि वो इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इन्होंने कोई ऐसी अभी तक जो है वो न्यूज़ नहीं दी, तो मैं उनका बहुत सीधा से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम करती हैं, तो अगर वो कोई इंटरनेशनल तौर पर अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो ऑफकोर्स उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा. तो यार ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर की जाऊँ, और आप लोगों को अगर पसंद आई तो मेक श्योर यार इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.